तो हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों फिलहाल में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों हम इस वीडियो बात करते हैं, जब भी हम इसमें से कैश निकालते हैं तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता होगा। विद्रो फील्ड इंश्योरेंस बैलेंस, कुछ इस तरह का ऐप देखने को आपको मिलता होगा। इसमें से बैलेंस नहीं निकल रहा है, कैश नहीं विड्रो हो रहा है। तो इसी बताएंगे हम आपको, वीडियो को फुल कंप्लीट देखना है। वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सही भाई सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये तीन पत्ती ऐप, इसमें से एक बार हमने बैलेंस निकाल लिया, अब दूसरी बार ये नहीं निकला है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको हम फुल सॉल्यूशन, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, फुल वॉच करनी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अपनी होम स्क्रीन पर आना है। आने के बाद जो भी आपका ऐप है जिसमें से आप पैसे निकालने चाहते हैं, गेमिंग का ऐप है, तो आपको सबसे पहले उसको प्रेस करके रखना है। कुछ इस तरह से मैं रख लेता हूँ, इस तरह का ये आज दिखाई दे रहा है। ऐप इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्टोरेज यूजेस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर डाटा कर देना है। पहले मैंने ये क्लियर डाटा कर दिया। करने के बाद आपको फिर उसी ऐप में आ जाना है और इसे आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं आ चुका हूँ अपनी ऐप पर और इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये हो रहा है लॉगिन और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इस तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी पर क्लिक कर दो तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो आ चुका है ओटीपी, मैं अपना डाल देता हूँ। तो मैंने अपने जो कि अपना ओटीपी डाल दिया। आपको अपना ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। मैंने अपना लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 6 रुपये को और बोनस मिला है हमें, और हम बैक कर देते हैं। हम अपना रुपये दोबारा से विड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आपको दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है, विड्रॉ पर। और हमारी सब कुछ डिटेल सही तरह अच्छी तरह से भरी हुई है। हम ये अपना बैंक नाम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा चेंज हो गया। तो जब तक के लिए मैं ब्लर कर देता हूँ स्क्रीन पर। तो हमने अपनी पूरी डिटेल डाल दी, जो कि हमारा अकाउंट नंबर एंड होल्डर नेम एंड बैंक नेम और फ़ोन नंबर, ईमेल और आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ डालने का आपको नेक्स्ट पर या सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करो तो आपको ये ओटीपी मांगा, जिस नंबर आपको डाले उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये ओटीपी जा चुका है, सेकेंड भी चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो मैंने अपना ओटीपी डाल दिया, डालने पर आपको सबमिट पर क्लिक करना। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो कुछ देखते हैं और हमें यहाँ